बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हमने एक डिज़ाइन सीएनसी करवाया है। सीएनसी करवाने के बाद जो है हमने इसके ऊपर रेगमार लगाया। रेगमार लगाने के बाद जो है हमने लकड़ी वाला सिलर लगाया। सिलर लगाने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर रेगमार लगाया। रेगमार जो है 1000 नंबर वाला था। मुकम्मल तौर पर फिनिश किया है। फिर उसके ऊपर एक जो है पॉलिश का कोट, दो कोट पॉलिश के लगाए हैं और पीवीआर लगा के फिर मैंने जेल कोट लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जेल कोट हमारा मुकम्मल हो गया है। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी तो मैंने बीच में से वीडियो कट करके तो मतलब शॉर्ट टाइम में उसको बना दिया। ठीक है, जेल कोट हमारा लगने के बाद खुश्क हो गया है। खुश्क होने के बाद जो है इसके ऊपर पेस्ट लगा रहे हैं। पेस्ट लगेगा, फिर इसके ऊपर जो है फाइबर लगा रहे हैं। फाइबर मैं लगा रहा हूँ 300 ग्राम वाला। इसकी ये मैंने बनाना तो अपने लिए मोल्ड है, तीन तह लगानी है मैंने इसके ऊपर 300 ग्राम वाली। ठीक है, और फाइबर एमल्शन है, पाउडर नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारा पेस्ट इसके ऊपर लग जाता है तो फाइबर सीधा करके लगा रहे हैं। फाइबर को रीजन से गीला करना है और ये जितने भी इसके जाली नुमा स्टेप बने हुए हैं इसको ना सही अच्छे तरीके से जो है प्रेस करना है। पेस्ट लगाने की वजह यह है कि इसमें जो है ना जो एयर होती है वो कम से कम आती है। ठीक है, मोल्ड बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और मजबूती भी इसकी काफ़ी हद तक जो है ना हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पेस्ट हमने एक थोड़े से हिस्से पे लगाया है और उसके ऊपर फाइबर लगा दी है। अब इसको रीजन से गीला करना है। रीजन से गीला करने के बाद जो है इसके ऊपर दूसरी और तीसरी तह भी लगा देंगे। एक साइड से हमने इसको स्टार्ट कर दिया गीला करना और हमने जो इसके ऊपर जितना भी फाइबर की लेमिनेशन कर रहे हैं रीजन से, ये हमने थोड़ी सी स्लो मिकदार में रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जाली नुमा डिज़ाइन है तो इसको अगर मैं तेज़ मिकदार में लगाऊंगा, हार्डनर ज़्यादा डालूंगा तो फिर जो है ये मैं हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि स्लो लगाऊं। स्लो लगाने से ये होगा कि मेरा जो है ना ये मोल्ड अच्छे तरीके से फाइनल हो जाएगा, इसके अंदर एयर नहीं आएगी। ठीक है, जितनी भी एयर आती है वो निकालने में आसानी हो जाएगी क्योंकि इसको कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे इसको पूरे मोल्ड को कम्प्लीट करते हुए। एक साइड से मैं गीला करता जा रहा हूँ और दूसरी साइड से दूसरे भाई जो है उसको फाइनल करते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो। हम लोग इसी तरह की जो है वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, हर नया डिज़ाइन होता है हमारा नए तरीके का, तो हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को जो है हेल्प हो जाती है काम करने में। अगर कोई भी कहता है कि मैंने काम फाइबर ग्लास का करना है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। सबसे मुश्किल काम होता है इसमें मोल्ड बनाना। ठीक है, तो मेरा तकरीबन जितना भी YouTube पे काम होता है मैं मोल्डिंग का ही बताता हूँ कि मोल्ड किस तरीके से बनाया जाता है। और जो मैं वैक्स और पीवीआर इस्तेमाल करता हूँ वो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि इस तरह का पीवीआर है और ये वाली वैक्स मैं यूज़ करता हूँ। और जैसे ही हमारा ये पीस मोल्ड वाला मुकम्मल हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इसमें से हमने
आगे की जो प्रोडक्शन है वो भी तैयार करनी है, वो भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से मैंने तैयार किया। वो है वाइट कलर में, तो हमने उसको वाइट कलर में ही ओरिजिनल जो फाइबर ग्लास का वाइट कलर है उसी में तैयार करना है। काम के सिलसिले में किसी को भी किसी तरह का भी इसमें मालूमात चाहिए हो तो आप जो है कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाला मोल्ड मुकम्मल होने के बाद इसमें से मैंने जो है 9 पीस निकाल लिए हैं 4x8 के, और एक और दूसरा मोल्ड बनाना है वो भी इसी तरह का डिज़ाइन है, उसके मैंने 3 पीस बनाने हैं, उसका साइज़ होगा 2x11 फिट का। तो ये सारे पीस एक ही जगह पे लगाने हैं, ये असल में एक मार्की है, मार्की के फ्रंट पे लगाने हैं, तो इंशाल्लाह ये लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। काम करने के लिए किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगी हम करेंगे, ठीक है। अगर केमिकल के बारे में मालूमात चाहिए वो भी देंगे, ठीक है। मोल्डिंग के हवाले से आपको किसी तरीके की भी मालूमात चाहिए वो भी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर देंगे। काफ़ी हद तक हमारा मोल्ड मुकम्मल हो गया है, और ये सामने की साइड रह गई है, इसको हमने फाइनल करना है। सेम उसी तरीके से पेस्ट लगाया है, पेस्ट के ऊपर हमने 3 तह फाइबर की जो है 300 ग्राम वाला फाइबर जो है अमेल्शन वो मैंने लगाया है इसके ऊपर। और सबसे मुश्किल जो इसमें काम है ना, ये जो इसके जाली नुमा डिज़ाइन है इसके अंदर से एयर निकालना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सीधा सीधा काम हो तो 15-20 मिनट में आधे घंटे में इस तरह का मोल्ड तैयार हो जाता है, लेकिन इसके हर एक जो डब्बे के अंदर से ना एयर निकाल के उसको फिक्स करना है हमने, बिठाना है उसको अच्छे तरीके से। किसी भाई ने भी इस तरह का काम करवाना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर ले, काम हो जाएगा। ये बेसिक हमने एक मार्की है
उसकी जो खिड़कियां होती हैं उनके अंदर ये डिज़ाइन लगाना है। तो पहले तो वो लगवा रहे थे लसानी का, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, लसानी के शीट के ऊपर वो डिज़ाइन लसानी में लगवा रहे थे, तो लगना था ओपन, ठीक है। तो वो फिर उनका प्रोग्राम चेंज हो गया कि एक आध बारिश होगी तो फिर ये तो ख़राब हो जाएगा। फिर वो लगाने लगे थे ये सीमेंट का, ठीक है, तो कि हम लोग कंक्रीट करवा के तो इस तरह का डिज़ाइन जो है ना लगवा लेते हैं। तो उनको किसी ने कहा कि यार आप ऐसा करो, ये फाइबर में बनवा के लगा लो, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो वो फिर फाइबर की साइड पे आ गए, ठीक है, ये हमारा मोल्ड जी मुकम्मल हो गया, ये अभी थोड़ा सा रफ़ है, ये हमने इसके अंदर जितना भी रेगमार था वो लगा के इसको फाइनल कर लिया, इसके अंदर शाइन भी आ गई है, और ये हम लोग इसके अंदर वैक्स लगा रहे हैं। वैक्स ब्रश की मदद से लगानी है, स्पंज या कपड़े से नहीं लगेगी, क्योंकि इसका जो जितना भी डिज़ाइन है उसके अंदर वो वैक्स अच्छे तरीके से नहीं लगती। हमारी वैक्स मुकम्मल हो गई है, अब इसके ऊपर हमने पीविया लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। पीविया लगाते हैं कि थोड़ी सी जो हमने इसके अंदर पीस तैयार करना है वो लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो पीविया हमारा जो हमने मैंने वीडियो में तो नहीं हैर बताया कि किस तरह लगाया मैंने, लगाना वो भी ब्रश से ही है, खुश्क हो गया पीविया, और ये वाइट कलर का जलकुट है, ठीक है, ये जलकुट इसके ऊपर लगाना है, दो कोट जलकुट के हैं, और सेम वही तरीका कार है इसका भी। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा 450 की मेल्शन, सॉरी 2 ते लगानी है इसके ऊपर, 450 ग्राम का फाइबर होगा, ठीक है, और मेल्शन उसकी 2 ते लगानी है इसके ऊपर मैंने। और अच्छी खासी ये मजबूत है माशाल्लाह से ये बनी हुई, ठीक है, इसको मैंने इसी तरीके से वाइट जलकुट लगाना है। जलकुट लगाने के बाद फिर इसके अंदर जो है मैंने पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद जो है पेस्ट ड्राई नहीं करना, पेस्ट गीला पेस्ट है, यानी कि खुश्क होने से पहले पहले जितना भी मैंने लगाना है उसके ऊपर मैंने फाइबर की लेमिनेशन करनी है। अगर वो खुश्क हो जाए तो फिर इसमें से और मुश्किल हो जाएगा एयर निकालना, इसलिए जो है मैं जलकोट को ड्राई करने के बाद जो है ना पेस्ट जो बना के लेके आऊँगा वो बनाऊँगा स्लो, ठीक है, उसमें हार्डनर कम डालना है। और पेस्ट लगाने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर फाइबर लगाना है, और फाइबर इतना लगाना है, उतने हिस्से में लगाना है जितना मैं इजी इसको जो है सही तरीके से जो है ना मैनेज कर लूँ, यानी कि इसको बिठाने में कोई परेशानी ना हो, इसको फाइनल करने में। और पेस्ट भी मैंने उतने हिस्से पे लगाना है कि जितना मुझे इजीली जो है उसको मैं बिठाने में जो है ना परेशान ना हो। तकरीबन मेरा जलकुट सारा मुकम्मल हो गया, ठीक है, अब इसके ऊपर सेम इसी तरीके से दूसरा जो है कोट जो है जलकुट का वो लगाना है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसके ऊपर पेस्ट का कोट लगाना है। पेस्ट का कोट लगाने के बाद जो है 450 ग्राम वाले की 2 तें जो फाइबर है अमेल्शन वो लगाना है। ये हमारा जो जलकोट मुकम्मल है, 2 कोट इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा दिए, और साइड पे मैंने फाइबर काट के रखा हुआ है। तो अब मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये मैं वीडियो तफसील से, यानी कि जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उस तरीके से मैं अपलोड करूं तो फिर तो ये बहुत लंबी वीडियो है, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट काम बताता हूं, ठीक है, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट इसलिए बताता हूं कि मैं जो है कम से कम जो है ना वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो कोशिश यही करता हूं कि आपको कम से कम वीडियो में जो पूरा तरीकाकार है वो गाइड कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो है तकरीबन जो हमारा मोल्ड है ये 4x8 का है,
और इसके अंदर 4 फीट तक जो है ना, मैंने तकरीबन 3.5 फीट तक मैंने इसके अंदर जो है वो पेस्ट लगाया। और पेस्ट लगाने के बाद जो है मैंने इसके अंदर लेमिनेशन स्टार्ट कर दी है पीस की। और ये बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि अंधेरा हो गया था मुझे, मगरिब की अज़ान हो गई थी इसी में। और इसमें जो है एक दफ़ा लाइट भी चली जाती है, फिर मैंने ये जो है मोबाइल की जो है लाइट लाइट से जो है इसको फाइनल किया। लेकिन वो बीच में से हिस्सा मेरे ख्याल में मैंने कट कर दिया। दोबारा से जब लाइट आती है तो इतना पीस हमारा जो है मुकम्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से काम किसी भी तरीके का हो, और मोल्ड या किसी भी टाइप का बनाना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये सारा काम करते हैं। अगर किसी ने काम करवाना हो मोल्डिंग का या फाइबर ग्लास का, किसी भी तरीके का, फाइबर ग्लास की शीट का या फाइबर ग्लास के वो क्या कहते हैं उनको, गुलदान, तो उनका, या कार पोर्च, मतलब किसी भी तरीके का काम करवाना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे काम करते हैं। और मोल्डिंग का काम मैं इसलिए बार बार लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि लोग कहते हैं कि यार मोल्ड बनाने बहुत मुश्किल है। मोल्ड बनाने मुश्किल नहीं है, मोल्ड बनाने बहुत आसान है अगर आप उनको सही तरीके से देखें तो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पीस हमने मोल्ड में से निकाल के रखा है बाहर, और इसकी मैंने 2-3 तस्वीरें ले ली हैं। और ये साइड की फ़िटिंग की भी, मेरे पास उस दिन बारिश हो रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। और मैंने पीस जो है ये बारिश में, हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो उसमें बना मैंने फ़िटिंग की है। अब इनके ऊपर गोल्डन कलर होना है, ये फूल जो बने हुए हैं इन पे, तो ये साइड है ये जी गोल्डन कलर भी हो गया। ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो इनके ऊपर गोल्डन कलर हो गया। यहाँ पे आज बारात भी आनी थी तो मुझे कह रहे थे कि यार अपना काम फाइनल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम फाइनल हो गया। और ये 2 फिट बाई 11 फिट की ये साइड पे भी जो जाली लगी हुई है, ये भी फाइबर ग्लास की, और मैंने ही लगाई है ये गेट के साथ। वीडियो देखने के बाद वीडियो को जो है अगर काम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे इस तरह का काम जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।